हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे होली में किन राशियों को कौन से रंगों से खेलना चाहिए, कौन से रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उनके प्यार, मोहब्बत, सुख, समृद्धि, यश और धन की प्राप्ति हो। दोस्तों, की जैसा कि हम सब जानते हैं, होली जो है प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे का त्यौहार है इस दिन। लेकिन हम क्या करते हैं, जिन रंगों का प्रयोग करते हैं, उन रंगों के प्रयोग से भी हमें बहुत सारे लाभ या नुकसान हो सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी राशि के अनुसार कौन से रंगों से आप खेलें, जिससे कि आपकी जो ये होली है ये शुभ हो और इससे भाईचारा और प्रेम सद्भाव बना रहे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार की जो होली है, 9 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन होगा और मंगलवार 10 मार्च को होली खेली जाएगी, इसको हम कलर्स भी कहते हैं। सोमवार को होलिका दहन होना शुभ संयोग है, लेकिन इस साल इससे भी बड़ा एक संयोग है जो 499 साल के बाद बन रहा है, यानी कि 499 ईयर्स के बाद बन रहा है। इस बार होली पर गुरु और शनि का विशेष योग बन रहा है, ये दोनों ग्रह अपनी अपनी राशि में रहेंगे। मार्च के अंत में ही गुरु भी अपनी राशि धनु से निकलकर शनि के साथ मकर राशि में आ जाएगा। 9 मार्च को गुरु अपनी धनु राशि में और शनि भी अपनी राशि में मकर में रहेगा। इससे पहले इन दोनों को ग्रह ऐसा जो संयोग जो बना था वो 3 मार्च 1521 को बना था, तब भी ये दोनों ग्रह अपनी अपनी राशि में थे। होली पर शुक्र मेष राशि में, मंगल और केतु राशि में, धनु राशि में, राहु मिथुन राशि में, सूर्य और बुध कुंभ राशि में, चंद्र सिंह राशि में रहेगा। ग्रहों के इन योगों में होली आने से यह शुभ फल देने वाली रहेगी। इस प्रकार का यह योग देश के अंदर काफी तरह के बदलाव लाएगा, व्यापार के अंदर नई अपॉर्चुनिटी लाएगा और देश के अंदर इसमें बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, यह मैंने बताया कि 9 मार्च को होली का दहन होगा, जिसको हम होली को जलाते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि इसकी हमारी जो पौराणिक जो कथा है वो क्या है, वो हम अभी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि होली क्यों मनाई जाती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सभी दर्शकों से, सभी मित्रों से एक निवेदन भी है कि जो भी त्योहार आता है उसका कम से कम हमको अपना धार्मिक, पौराणिक और साइंटिफिक उसका रीजन हमको जानना चाहिए। और मेरा प्रयास होता है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें आपको बताऊं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो होली क्यों मनाई जाती है। होली के लिए भक्त प्रहलाद जो थे, उनके जो पिता थे, उनकी बहन जो थी होलिका से जुड़ी, ये कहानी होलिका से जुड़ी, यानी कि जो ये जो कहानी है ये 3 लोगों से जुड़ी है, भक्त प्रहलाद, उनके पिता हिरण्यकश्यप और होलिका की बहन। कथा के अनुसार, जो पौराणिक उसमें जो कथा दी गई है उसके अनुसार, हिरण्यकश्यप एक राजा था, उनका जो बेटा था भक्त प्रहलाद वो भगवान हरि का भक्त था, लेकिन उसके पिता को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उसके घर की जो संतान है वो उसके अलावा किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करे या उसको ज्यादा भाव दे। इसी के कारण भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने काफी पहले प्यार से समझाया, उसके बाद उसको काफी यातनाएं दी गई, और इतनी यातनाएं दी गई उसके बावजूद भी वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। और इसके बाद उसने, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से, जिसको कि यह वरदान था कि वो आग में यदि बैठ जाएगी तो वो जलेगी नहीं, इससे उन्होंने क्या किया, अपनी बहन को अपने साथ मिलाकर भक्त प्रहलाद को मारने की साजिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। उसकी बहन होलिका को वरदान मिला था कि वो व्यक्ति, वह जो बहन है वो कभी जलेगी नहीं। फागुन मास की पूर्णिमा पर हिरण्यकश्यप ने लकड़ियों की सैया बनाकर होलिका की गोद में
भक्त प्रहलाद को गोद में बिठा दिया। ये सोचकर हिरण्यकश्यप ने होलिका को बिठाया था अपने बेटे प्रहलाद को लेकर कि होलिका को तो वरदान था इसलिए वो जलेगी नहीं, लेकिन उसका बेटा जल जाएगा। लेकिन मित्रों इसका बिल्कुल उलट हुआ। भगवान की कृपा से इस आग में, विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, लेकिन ना होलिका जल गई। तभी से हर साल भी इसी तिथि पर होलिका दहन किया जाता है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि होलिका क्यों मनाई जाती है, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। जब भी हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं, कोई भी पर्व मनाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है, जो कि मैं वैज्ञानिक कारण है, जो कि मैं हमेशा बताते हुए आऊँ कि हमारा जो हिंदू धर्म के जो भी जितने भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। मित्रों अब मैं उसकी यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों शरद ऋतु के बाद जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो समय का जो परिवर्तन होता है, मौसम का जो परिवर्तन होता है, उसमें कई प्रकार की बीमारियां होने का डर होता है। और इसी वजह से लोग क्या करते हैं, क्योंकि गर्मी आती है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, कई प्रकार की बीमारियां, अन्य बीमारियां इस पीरियड के अंदर ज़्यादातर लोगों को ENT की प्रॉब्लम रहेगी। और इसी कारण लोग ये जो मौसम का जो परिवर्तन होता है, ऋतु की जो परिवर्तन होता है, इसमें काफ़ी लोग ENT के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यदि आपने कभी नोटिस नहीं किया है तो इस वीडियो को देखकर आप नोटिस करें कि इस पीरियड में आपको गला ज़्यादातर खराब रहेगा, आपकी नाक में प्रॉब्लम रहेगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस समय काफ़ी कमजोर रहेगा। तो दोस्तों ये था इसका साइंटिफिक रीज़न। अब हम बात करेंगे कि आप अपनी राशि के अनुसार कौन से कलर से होली खेलें जिससे कि आपको लाभ हो। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलते हुए हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक राशि का एक लॉर्ड होता है और जन्म कुंडली के अंदर उस राशि के अनुसार कुछ कलर्स लकी होते हैं, कुछ कलर्स अनलकी होते हैं। जो ग्रह आपके शुभ हैं उन रंगों का प्रयोग आपको करना चाहिए और होली के समय भी उन्हीं रंगों का प्रयोग करें। इससे आपको, आपके लिए जो ये होली है वो शुभ रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में, यानी कि एरीज के बारे में। मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है और मेष राशि का जो स्वामी के जो मित्र ग्रह हैं वो चंद्रमा, गुरु और सूर्य होते हैं। मित्रों मेष राशि के लोगों को यदि आप लाल रंग, येलो कलर और व्हाइट कलर के कलर से होली खेलेंगे तो इस होली पर आपके जीवन में प्यार, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। और वृषभ राशि का जो स्वामी होता है, यानी कि टॉरस जिसको हम बोलते हैं, उसका स्वामी होता है वीनस। वीनस ग्रह के जो प्लैनेट्स होते हैं, मित्र प्लैनेट होते हैं, वो होते हैं बुध, शनि, राहु और केतु। शुक्र का जो कलर होता है व्हाइट होता है, शनि का कलर ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर होता है, बुध ग्रह का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। यदि वृषभ राशि के लोग ग्रीन, ब्राउन,
ब्लैक कलर से होली खेलेंगे तो उनके जीवन के अंदर प्यार और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और उनके जीवन में खुशियां आएंगी, उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध ग्रह होता है और बुध ग्रह के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं वो शुक्र, शनि और राहु केतु। बुध कलर का जो शुभ होता है वो ग्रीन होता है, शुक्र के लिए मैंने जैसा कि व्हाइट आपको बताया, शनि के लिए मैंने आपको ब्लैक कलर बताया, राहु केतु के लिए मैंने ग्रे और ब्राउन कलर बताया। यदि इस होली को आप लोग इन कलर से खेलते हैं तो ये आपके लिए शुभ होने वाला है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, मून होता है। चंद्रमा के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो सूर्य, मंगल और गुरु होता है। यदि आप व्हाइट, रेड, येलो कलर से इस होली खेलेंगे तो ये आपके लिए अति शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है और सूर्य सन जिसको हम कहते हैं उसका जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो चंद्रमा, गुरु और मंगल। यदि आप रेड, येलो, व्हाइट कलर से होली खेलेंगे तो आपके जीवन के अंदर प्यार और पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि का जो ओनर होता है प्लैनेट उसको मरकरी कहते हैं, इनके बुध कहते हैं। बुध ग्रह के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो शुक्र, शनि, राहु और केतु। बुध का कलर ग्रीन होता है, शनि का कलर ब्लैक होता है, शुक्र का कलर व्हाइट होता है, राहु केतु का ब्राउन ग्रे कलर होता है। कन्या राशि के लोग यदि इन कलर से होली खेलेंगे तो आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। दोस्तों अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है और शुक्र ग्रह के जो मित्र प्लैनेट होते हैं वो बुध, शनि, राहु और केतु होते हैं। तो यदि आप अपनी राशि अनुसार व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर के कलर से होली खेलेंगे तो ये आपके लिए अति शुभ होगा। आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि आएगी, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, इनके स्कॉर्पियो के बारे में। स्कॉर्पियो राशि का जो ओनर प्लैनेट होता है वो मंगल होता है। मंगल ग्रह के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य, चंद्रमा और गुरु होता है। यानी कि आप यदि रेड कलर, व्हाइट कलर और येलो कलर के कलर से होली खेलेंगे तो ये आपके लिए अति शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि का जो ओनर होता है वो जुपिटर होता है। जुपिटर के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल। यदि इस होली को आप रेड, व्हाइट
येलो कलर से होली खेलेंगे तो ये आपके लिए शुभ रहेगा, आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी, आपके अंदर प्यार का संचार होगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। शनि ग्रह के जो मित्र प्लैनेट होते हैं वो बुध शुक्र और राहु केतु होते हैं। शनि का कलर ब्लैक कलर होता है, बुध का कलर ग्रीन होता है, राहु केतु का कलर ब्राउन और ग्रे कलर होता है। तो मित्रों मकर राशि के लोग यदि ब्लैक ब्राउन ग्रे और ग्रीन कलर से होली खेलेंगे तो आपके लिए अधिक शुभ होगा, आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। शनि के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य उनका दुश्मन होता है। बुध शुक्र शनि राहु केतु इन प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप होती है तो आप ब्लैक कलर ग्रीन कलर ब्राउन कलर और ग्रे कलर से यदि होली खेलेंगे तो ये आपके लिए आपके जीवन के अंदर इस होली पर सुख समृद्धि वैभव और प्यार रोमांस लेकर आने वाला है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है और गुरु के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो सूर्य चंद्रमा और मंगल है। यदि आप इस होली पर अपने जीवन के अंदर येलो कलर व्हाइट कलर रेड कलर से होली खेलेंगे तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों ये हमने बात की कि इस होली पर आप कौन से कलर से होली खेलें जिससे कि आपके जीवन के अंदर प्यार रोमांस और सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन का बटन भी आपको जब दबाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाने के कारण आपको मेरे नई वीडियो नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल जो वीडियोस हैं उनसे वंचित रह जाते हैं, वो आपको नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अन्य मित्रों को भी शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए केवल इतना ही। हरे कृष्णा।